लॉकडाउन पार्ट टू का आज 16वां दिन है और हम खड़े हैं कटिहार के प्रधान डाकघर के पास और हमारे पीछे ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये तमाम भीड़ जो हैं, चाहे महिलाओं की भीड़ कह लें या पुरुष की भीड़ कह लें, ये तमाम भीड़ वैसे हैं जो जीरो बैलेंस पे अपना खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस आए हैं। युद्ध कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही अहम है और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की इस सरकारी कार्यालय में धज्जी उड़ाई जा रही है आप बखूबी देख सकते हैं। ना यहाँ कोई सोशल डिस्टेंस है, ना ही किसी तरह की कोई जागरूकता। लोग बाग उत्साहित हैं सिर्फ इसलिए कि वो जनधन खाता खुलवाएं और जीरो बैलेंस पे अपना खाता खुलवाएं। ये नज़ारा ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम कटिहार की जनता कोरोना के प्रति कितनी जागरूक है। जहां तक रही सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो उसको फॉलो करवाने के लिए यहां पुलिस बल के जवान भी लगे हुए हैं और तमाम स्टाफ भी हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो भीड़ जो है नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ हैं जी, बताइए यहाँ लोगों की भीड़ है, किस लिए भीड़ है यहाँ? वो जनधन के लिए है, एक्चुअली हम इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, सुपीरियर का ऑर्डर है। लोग सरेआम लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ रही है तो पुलिस वाले भी कुछ बताने से परहेज कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा है, भीड़ को बाहर किया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं, ये नज़ारा सिर्फ इसलिए है, ये प्रधान डाकघर का ये नज़ारा कि लोग जीरो बैलेंस पे यानी कि मिनिमम बैलेंस पे अपना खाता खुलवा सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं जी, किस लिए आए हैं? सर टोकन लेना सर, दिक्कत है इसलिए ना आए हैं सर। इसलिए आए क्या? क्या खाता खुलवाना जीरो वाला सर? तो क्या क्या सूचना मिली उसमें? अंदर हाँ सर, जाने ही नहीं दे रहे हैं तो क्या बोलते हैं? कुछ तो बताइए, रुकिए 10 मिनट या 5 मिनट रुकिए, बताइए तो। लाठी डंडा चला रहे हैं कुरेठा से, हम यहाँ से कुरेठा खुलवाने के लिए। हाँ हाँ जी, तो कुछ लोगों की शिकायत है कि वो बहुत दूर से आए हैं और खाता खुलवाने के लिए आए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो बिल्कुल नहीं किया जा रहा। पुलिस द्वारा कुछ सख्तियाँ भी बरती जा रही है जिससे लोग बा खासे नाराज हैं। हमारे साथ कुछ और महिलाएं जी, किस लिए आए हैं? जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवाने के लिए आए हैं। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोले, गेट के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। यहाँ जो भीड़ लग रही है, क्या लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? जो लोग कह रहे हैं कि अलग अलग रहे, दूरी बना के रखे। हम लोग तो अलग अलग हैं, आप लोग साथ रहे तो उसको तो हम नहीं ना बोले सटने के लिए। तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सबको एक ही धुन है कि जीरो बैलेंस पे किसी तरह खाता खुले, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से धज्जियाँ हो रही है सरेआम सरकारी कार्यालय के सामने, आप ये भीड़ अब ये भीड़ बताने के लिए काफ़ी है कि प्रधान डाकघर के सामने लोग बाग किस तरह भीड़ लगा के खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ हो रही है। हालांकि पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं, मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कितना अहम है उसका फॉलो यहाँ नहीं किया जा रहा है। ज़रूरत है कि आम जनता भी जागरूक बने और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे ताकि कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ रितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार।